Hello everyone. So let's start with the next part of aptitude, which is based on time and distance. So topic बहुत important है, formula बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, but concept को लगाना कैसे, use कैसे करना है formulas को, question को crack कैसे करना है, वो एक approach develop करनी होती है. तो शुरू करते हैं एकदम fundamental से और छोटे छोटे concept को समझते चलते हैं और question की variety को crack करने का तरीका देखते हैं. तो शुरू करते हैं time and distance एकदम basic fundamental से. सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है कि एक आदमी है जो यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ देर के बाद वो यहां पे आ गया, वॉक करके आ गया. तो हम ये बोल सकते हैं इस आदमी ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी कवर करी है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है. और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वी आर वेरी श्योर इसने कुछ ना कुछ टाइम भी लिया ही होगा. ऐसा पॉसिबल नहीं कि बिना टाइम के पहुंच जाए. तो जितना डिस्टेंस चला है और जितना उसने टाइम लिया है, इसके अकॉर्डिंगली हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट एक्चुअली जो डेफिनेशन होता है स्पीड का, हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वन यूनिट टाइम. डिस्टेंस जो चला गया है वो वन यूनिट टाइम में कितना चला गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन यूनिट टाइम. वन यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया कि एक मिनट में कितना चला ये बता दो, या एक घंटे में कितना चला ये बता दो, या एक सेकंड में कितना चला ये बता दो, इसको हम बोलते हैं स्पीड, है ना. तो फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन यूनिट टाइम. क्या मतलब इसका, सपोज मान लेते हैं एक आदमी है जो दो घंटे के अंदर मान लेते हैं 90 किलोमीटर ट्रैवल करता है. अ मैन ट्रैवल 90 किलोमीटर इन 2 आवर्स. बताइए दो घंटे में 90 किलोमीटर है तो एक घंटे में कितना आएगा, तो एक घंटे में आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 2, दिस गिव यू 45 किलोमीटर पर आवर. ऐसा बोल सकते हैं अपन, राइट. ये सपोज अगर मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है कि 10 मिनट में एक आदमी जो है वो 500 मीटर ट्रैवल कर लेता है, तो बताइए 10 मिनट में 500 है तो एक मिनट में कितना होगा, एक मिनट में आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 10, जिसका मतलब है 50 मीटर पर मिनट, है ना, 50 मीटर पर मिनट उसकी स्पीड बन जाएगी. तो इसी को बोलते हैं स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन यूनिट टाइम. आप देख सकते हैं कि हमेशा आपने डिस्टेंस को डिवाइड किया टाइम से तो आपको स्पीड मिल गई, ऐसे निकालना है. तो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे कि फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी तक, स्पीड इज गिवन बाय वॉट एवर इज द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट. तो डिस्टेंस को अगर आप किलोमीटर में मेजर करोगे और टाइम को अगर आप आवर से मेजर करोगे तो आपकी जो स्पीड की यूनिट बनेगी वो बनेगी किलोमीटर पर आवर. अगर आप डिस्टेंस को मेजर करते हो माइल्स में और टाइम को मेजर करते हो आवर्स में, तो आपकी स्पीड बनेगी माइल्स पर आवर, है ना, जो यूरोपियन कंट्री वगैरह में होता है, हमारे यहाँ तो KMPH चलता है. फिर अगर हम बात करें कि हो सकता है डिस्टेंस को मेजर किया हो मीटर में, टाइम को मेजर किया हो सेकेंड में, तो आपकी स्पीड बन जाएगी मीटर पर सेकेंड. ये तो कितने भी तरीके हो सकते हैं, है ना, जितने तरीके से डिस्टेंस टाइम का कॉम्बिनेशन बना सकते हो उतने आपके आंसर आ सकते हैं. दैट्स व्हाई यूनिट तो बहुत सारी बन सकती है, कोई लिमिट नहीं है इसकी. हाँ, दो कंडीशन है कि दो चीजें हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं किलोमीटर पर आवर और अगर हम बात करते हैं मीटर पर सेकेंड, यहां से कन्वर्ट करना आना चाहिए. क्योंकि तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हो किलोमीटर पर आवर और एग्जाम में जो ऑप्शन आए वो ऑप्शन आए मीटर पर सेकेंड, या उल्टा भी हो सकता है. तो कन्वर्ट करना आना चाहिए किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर. कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर आना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का. ये कहां से आ गया ये समझते हैं. सपोज 1 किलोमीटर पर आवर के लिए मैं देखता हूं क्या मिलता है. 1 किलोमीटर पर आवर का क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ एक घंटे में आपने 1 किलोमीटर चल दिया. 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, या मैं ये कह सकता हूं 3600 सेकेंड. 3600 सेकेंड कहां से आ गए, 60 मिनट × 60 सेकेंड्स, है ना, 60 × 60, तो 3600 सेकेंड्स में आपने 1000 मीटर ट्रेवल किया. तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में अगर निकाला जाए तो 1000 डिवाइड बाय 3600, 00 कट जाएगा तो आपको मिल जाता है 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5 और 3600 किया तो 18. तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 किलोमीटर, सॉरी 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर है.
इसका मतलब है 1 अगर 5/18 है तो 2 कितना होगा, 2 होगा, 2 × 5/18 10/18। तो कभी भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या कर देंगे, 1 की वैल्यू पता लग गई है, अब जितने की निकालना निकाल लेते हैं। तो कोई आपको बोलता है बताइए 36 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, तो 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे कन्वर्ट करना पड़ गया मीटर पर सेकेंड में, हाउ विल आई डू, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय, सिंपली मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5/18। तो अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 का तो आपको मिल जाएगा 10, 10 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड हो जाएगी। तो 36 किलोमीटर पर आवर बोला जाए या 10 मीटर पर सेकेंड बोला जाए, दोनों की बात, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का कंडीशन, दोनों का कहने का मतलब एक ही है, स्पीड बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रखना है। तो बेसिक फंडा हो गया कि स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, यूनिट तो बहुत सारी बन सकती है पर दो कन्वेंशनल चलेगी क्वेश्चन क्वेश्चंस में, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट करना आना चाहिए, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, और रिवर्स करना है अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कोई ऐसा बोलता है कि 15 सेकेंड के अंदर 15 सेकेंड में अगर कोई 300 मीटर ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड कितनी बन गई, उसकी स्पीड बन गई 300 / 15 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आई विल से 20 × 18/5, 1 जा एंड 4 जा, 18 4 जा कितना होता है 72, 72 किलोमीटर पर आवर बोला जाए या 20 मीटर पर सेकेंड बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्जन करेंगे, आई होप इतना क्लियर है आपको। आगे बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे। हमने ये देखा कि स्पीड जो है वो फॉर्मूला हमारा बन गया स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बन गया। अगर मैं कांस्टेंट डिस्टेंस की बात करूं कि डिस्टेंस अगर मान लेते हैं सेम है, कांस्टेंट है, बदलता नहीं है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता सपोज मान लेते हैं, तो आई कैन स्टेट अवे से फॉर पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाए कि डिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए, फिक्स है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्पीड जो है वो टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन बनाएगी। स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। इनवर्स मतलब स्पीड बढ़ेगी टाइम कम हो जाएगा, स्पीड कम होगी टाइम बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और वेरिएशन के कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया था कि जब इनवर्स होता है तो S1/S2 जो होता है वो T2/T1 के बराबर होता है ना, ये पढ़ाया गया था वेरिएशन में आपको, है ना, कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, उसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि सपोज मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ट्रैवल करते हो तो मान लेते हैं आपको 4 घंटे लगते हैं। बोला बताइए अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो दिख रहा है कि स्पीड डबल हो चुकी है, तो टाइम आधा हो जाना चाहिए था, तो ये हो गया 2 आवर्स। देखते हैं मैच करता है क्या, बिल्कुल मैच करेगा। देखो 40 × 4 मतलब आपने दूरी कवर करी होगी 160 किलोमीटर की। अब अगर 80 की स्पीड से 160 जाना है तो 160 किलोमीटर ट्रैवल करना है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 2 आवर्स। तो 2 घंटे में आप चल लोगे, बिल्कुल सही बात है। तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि S1/S2 कितना आ रहा है, वो आ रहा है 40/80 यानी कि 1/2। और आप चेक कर सकते हैं कि T2/T1 कितना आ रहा है, सेकेंड वाला टाइम है 2 घंटे और पहले वाला है 4 घंटे, कितना है 1/2। तो आप देख सकते हैं कि S1/S2 T2/T1 के यहाँ पे बराबर मिल रहा है, 1/2 1/2, है ना। कहने का मतलब है कि S1T1 = S2T2, है ना, ये भी बोल सकते हैं ना कि S1 × T1 जो आएगा वो S2 × T2 के बराबर होगा। स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम के साथ फिक्स आएगा बिकॉज डिस्टेंस कैसा दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस मिलेगा और डिस्टेंस तो फिक्स है। अगर फिक्स है तो S1 T1 अलग अलग कंडीशन में आपको सेम ही आंसर देना चाहिए, राइट। मतलब ये हो गया कि अगर स्पीड का रेशियो पता है तो टाइम का रेशियो तुरंत निकलना आना चाहिए। तो अगर मैं सपोज ये बोलता हूँ कि स्पीड का रेशियो 1/2, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, राइट। तो और स्पीड का रेशियो अगर 2/3, टाइम कितना हो जाएगा, 3/2, ऑलराइट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने में इस रेशियो वाले कॉन्सेप्ट का यूज आता है, वो हम समझेंगे आगे। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन समझना, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपका भी। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर।
फाइंड द डिस्टेंस ए बी, सॉरी इज नहीं है, इफ टोटल ट्रेवलिंग टाइम, इफ टोटल ट्रेवलिंग टाइम इज 10 आवर्स, अगर ट्रेवलिंग टाइम पूरा मिला के 10 घंटे का है तो बताइए उसकी डिस्टेंस क्या रही होगी, ए बी डिस्टेंस। तो क्वेश्चन करने के मल्टीपल तरीके, बहुत तरीके क्वेश्चन करने के, हम समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखिए आपको ऐसा बोला हुआ है कि ए और बी दो पॉइंट है, एक आदमी है जो जाते टाइम की स्पीड रखता है अपनी 40 किलोमीटर पर आवर की, और वापस लौट के जब आता है तो लौट के आते टाइम उसकी स्पीड कितनी होती है, 60 किलोमीटर पर आवर की। टोटल ट्रैवलिंग टाइम भी दे दिया आपको 10 घंटे, बोला बताइए डिस्टेंस क्या रहा होगा। देखो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। और उसके पहले एक चीज याद रखना कि कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस में जो इक्वेशंस बनती है उनका फॉर्मेट पता है कैसा होता है, उनका फॉर्मेट होता है हमेशा ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम इक्वल टू टोटल टाइम, या फिर ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस। यूजुअली स्पीड कंपेयर बहुत रेयरली केस में होती है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए ये बताइए अगर स्पीड की बात करते हैं, टोटल अगर टाइम निकाल लिया जाए ए से बी जाने का और टाइम निकाल लिया जाए बी से ए आने का, तो जितना टाइम लगा ए से बी जाने में जितना टाइम लगा बी से ए आने में, ये दोनों मिला के कितना आना चाहिए, ये मिला के आना चाहिए 10 घंटे, राइट। तो पहली कंडीशन तो ये कि फॉर्मूला मुझे पता है स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। चलिए अब ए से बी जाते टाइम डिस्टेंस डी था और स्पीड 40 थी, तो डी बाय 40 लगा होगा टाइम। सिमिलरली आते टाइम डिस्टेंस तो डी ही है, स्पीड 60 की है, तो टाइम लगा होगा डी बाय 60। जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम कितना लगना चाहिए, लगना चाहिए 10 घंटे। तो कैन बी सॉल्व दिस इक्वेशन वेरी इजिली, इनका एलसीएम हो जाएगा 120, राइट। तो ये आ जाएगा 3D प्लस 2D इज इक्वल टू 10, तो 5D इज इक्वल टू 120 इंटू 10, तो D का वैल्यू आ जाएगा 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा अगर 10 घंटे के अंदर ये ट्रैवल कर रहा है, 40 किलोमीटर से गया और 60 से वापस आया, और टोटल ट्रैवलिंग टाइम अगर 10 आवर्स का है 240 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन करने का एक तरीका जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक नहीं बहुत तरीके और भी तरीके से कर सकते हैं, वो समझते हैं कैसे। एक तरीका ये भी आप लगा सकते हो कि सपोज मान लेते हैं कि टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 10 घंटे, तो आप एक काम करो ब्रेक कर दो कि मान लेते हैं ए से बी जाते वक्त टाइम लगा होगा T आवर्स, तो बताइए बी से ए वापस आते टाइम क्या लगा होगा, बचा हुआ टाइम 10 माइनस T आवर्स। जाते वक्त हमारी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर की और आते टाइम हमारी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की। अब देखो इसके बाद आप मल्टीपल तरीके सोच सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे रेशो लगाना है तो रेशो लगा लीजिए, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो दोनों तरीके बताता हूँ कि स्पीड अगर 40 है और टाइम अगर टी है तो S1 T1 जो मिलेगा वो S2 T2 के बराबर मिलना चाहिए, तो 40 की स्पीड से TR तक और 60 की स्पीड से 10 माइनस TR तक, ये दोनों बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम था ना, तो स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस मिलेगा, स्पीड इंटू टाइम से आपको डिस्टेंस मिलेगा, और डिस्टेंस किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, सॉरी AB के बराबर होगा। तो 0 0 कट हो गया, आपको मिल रहा है 4T इज इक्वल टू 60 माइनस 60, 10T इज इक्वल टू 60, तो आपको T मिल जाएगा 6 घंटे, यानी आपको जाने में लगे होंगे 6 घंटे, राइट। अगर जाने में लगे होंगे 6 घंटे और आपकी जाने की स्पीड थी 40 की, तो बताइए अगर टाइम पता लग गया स्पीड पता है तो स्पीड इंटू टाइम से क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 240 किलोमीटर, राइट। अब अगर आपको ये नहीं करना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन एक और है, आप और भी कुछ कर सकते हो। आप ये कर सकते थे कि आप ये सोचिए जाते टाइम आपकी स्पीड क्या है 40, आते टाइम क्या स्पीड है 60, तो बताइए स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, स्पीड का रेशियो है 2:3। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है और डिस्टेंस तो सेम है तो टाइम का रेशियो क्या रहा होगा, टाइम का रेशियो रहा होगा 3:2। ये फॉर कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ना हम अप्लाई कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है तो स्पीड का रेशियो टाइम के साथ इनवर्स फॉलो करता है, पर आपको तो बोला हुआ है टोटल ट्रैवलिंग टाइम 10 घंटे का है, तो कोई बात नहीं टोटल ट्रैवलिंग टाइम को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो जाने वाला टाइम 6 घंटे आएगा, आने वाला टाइम 4 घंटे का आएगा। आई होप डिवाइड करना आपको आता है, 3/5 of 10 and 2/5 of 10, तो 6 घंटे में जा रहे हो 40 की स्पीड से
तो इसे मल्टीप्लाई बाय 40 कर दीजिए, आपको स्पीड मिल, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा 240, या 4 में कर दीजिए 60 का मल्टीप्लाई तो मिल जाएगा आपको 240। ठीक है, तो मल्टीपल तरीके करने के ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम ये कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन को आप अगर चाहें तो एवरेज स्पीड से भी कर सकते हैं, एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काम कर जाता है। अगर आपको एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आता है वहां भी ये लगे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, देखेंगे अपन आगे इसको। अभी चलते हैं कुछ और क्वेश्चन समझते हैं और भी धीरे धीरे अपन मॉडिफाई करेंगे चीजों को। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, शुभम कैन कवर अ सर्टन डिस्टेंस इन 42 मिनट्स, ही कवर 2/3 ऑफ इट एट 4 किलोमीटर एन आर एंड रिमेनिंग एट 5 किलोमीटर एन आर द टोटल डिस्टेंसेस। तो एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से। ये बोला है जो भी डिस्टेंस है वो पूरा कवर करता है 42 मिनट्स में, 2/3 डिस्टेंस जो है वो कवर किया जाता है 4 की स्पीड से, 4 किलोमीटर एन आर की स्पीड से, और रिमेनिंग चला जाता है 5 की स्पीड से। सो 2/3, तो वट एवर इज द डिस्टेंस, अगर मैं उस पूरे डिस्टेंस को 3 का मल्टीपल ले लेता हूँ तो मेरे लिए 2/3 करना आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस 3D था, तो ये हो गया 2D, 2/3, और बचा कितना D। तो इधर हमारी स्पीड थी 4 किलोमीटर एन आर, यानी 4 किलोमीटर पर आवर, और आगे हमारी स्पीड थी, रिमेनिंग कवर हमने किया 5 की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब टोटल डिस्टेंस क्या रहा होगा। अब आपको टोटल टाइम तो दिया ही हुआ है 42 मिनट्स, तो बस सेम क्वेश्चन हो गया। आप ये सोच सकते हैं कि डिस्टेंस अगर 2D है और टाइम स्पीड अगर 4 की है तो टाइम निकाल लीजिए। सो अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ समझने के लिए, तो ऐसा मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी एंड टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी शुड बी इक्वल टू 42 मिनट्स, ऐसा बोल सकते हैं। अब क्योंकि ये किलोमीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और टाइम अपने को मिनट्स में दिया हुआ है, थोड़ा कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस 2D है अपॉन 4, ये लग गया ए से बी का टाइम, उसके बाद बी से सी का डिस्टेंस डी है और आपकी स्पीड है 5 की, तो ये आपको मिल गया 42, यानी 42 मिनट्स डिवाइड बाय 60, ऐसा बोल सकते हैं राइट। तो अब अगर हम समझते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको पता ही क्या करना है, ये आप आराम से कर सकते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 20, आपको मिल जाएगा 5 टाइम्स यानी कि 10D, और मिल जाएगा 4 टाइम्स यानी कि 4D इज इक्वल टू आ जाएगा 42 अपॉन 60। क्यों करा 60 डिवाइड, क्योंकि आर्स में कन्वर्ट किया ना, तो 14D इज इक्वल टू 42 इंटू 20 अपॉन 60, 1 जा एंड 3 जा, 1 जा एंड 3 जा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस आपका हो गया 1 डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू आ गया आपका 1। अब डी हमारा 1 आया, हमसे डी नहीं पूछा है, हमें तो टोटल डिस्टेंस 3 डी निकालना है। तो 3 डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 डी का वैल्यू हो जाएगा 3 किलोमीटर, तो आप ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको मालूम पड़ा क्या करा हमने, हमने यहाँ पर भी टाइम को कंपेयर कर दिया कि ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम इक्वल टू टोटल टाइम। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज हार्दिक ट्रेवल हार्दिक ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग ऑन बाइसिकल एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल बोला हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, और आपको बोला हुआ है पैदल वाला, ये पूछा है। तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 61 किलोमीटर, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हार्दिक ट्रेवल 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस दिया है 61 किलोमीटर, कुछ चलता है पैदल, ये कुछ डिस्टेंस चला उसने पैदल, और कुछ चलता है वो बाइसिकल पे। ठीक है, तो ये आपकी बाइसिकल आ गई। बोला बताइए, अगर पैदल के टाइम उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर की थी और साइकिल पे उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर की थी, टोटल ट्रैवलिंग टाइम 9 आवर्स आपको दिया ही हुआ है, तो बोला बताइए कि उसकी डिस्टेंस कितना होगा जो ट्रैवल किया होगा।
अच्छा एक और चीज बताना चाहूंगा, जो पीछे वाला क्वेश्चन था आपका, इसमें भी आप रेशियो वाला कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, थोड़ा सोचिएगा कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 आवर्स टोटल दिया है, हाउ विल यू सॉल्व इट। अब अगर हम बात करते हैं कि टोटल 9 आवर्स है, अब 9 आवर्स को एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दो ऑप्शन है, या तो मान लेते हैं कि जो पैदल चला हुआ डिस्टेंस है वो डी है, अगर पैदल चला हुआ डिस्टेंस डी है तो साइकिल से चला हुआ होगा 61 माइनस डी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 61 है। अब सेम कॉन्सेप्ट, मैं एक काम करता हूँ, पैदल लगने वाला टाइम और साइकिल से लगने वाले टाइम को ऐड कर देता हूँ, तो पैदल लगने वाला टाइम होगा d/4 और साइकिल से लगा हुआ टाइम होगा 61 माइनस d/9, और दोनों मिलके कितना आना चाहिए, 9 आवर्स, है ना। कैन बी सॉल्व इट, यस वेरी इजिली। एलसीएम हो गया 36, ऊपर आ गया 9 टाइम्स 9d, यह हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 244 माइनस k 4d इज इक्वल टू हो गया 9, राइट। तो 9d-4d हो गया 5d, 5d+244 इज इक्वल टू 36, 9 10 होता तो 360 होता, 324 आ जाएगा, 324। तो 5d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 244, अगर वो 344 होता तो 100 आता, 20 कम यानी कि 80, तो d कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर, राइट। यस, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर चला है उसने पैदल, और बचा हुआ डिस्टेंस जो है वो चला है उसने साइकिल से। क्वेश्चन करने का एक तरीका, अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो आप एक एक तरीका और सोच सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि टोटल आपके पास 9 आवर्स है, आप टाइम को डिवाइड कर लो, मान लेते हैं पैदल चला हुआ डिस्टेंस जो है वो t आवर्स में कवर करता है, तो बचा हुआ 9 माइनस t जो है वो ट्रेवल करता है बाइसिकल से। पैदल के टाइम स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर की, और बाइसिकल पे स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर की। आपको पता है स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड इंटू टाइम किया तो आपको मिल गया 4t, और 81 माइनस 90, ये टोटल डिस्टेंस आना चाहिए 61, यहां से भी कर सकते हैं। सो 20 इज इक्वल टू 5t, यानी t कितना आ जाएगा, 4 आवर, यानी पैदल आपने 4 घंटे चलाया। अब अगर पैदल 4 घंटे चला है 4 की स्पीड से, तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर, है ना। तो क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक तो आपने टाइम को डिवाइड किया, एक आपने टाइम को ऐड कर दिया, दोनों तरीके लमसम सेम ही है। डिस्टेंस को आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वेरिएबल ही आपने टी मान लिया, यहाँ पे आपने डिस्टेंस को डी मान लिया और उसके हिसाब से इक्वेशन बनाया। क्वेश्चन को रूल ऑफ एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से, मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो अगर आपने एलिगेशन नहीं पढ़ लिखा है पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पढ़ लोगे तब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए एलिगेशन से कैसे करेंगे, पूरा डिस्टेंस 61 अगर पैदल चलते तो 61/4 इतना टाइम लगता, पूरा डिस्टेंस अगर 61 डिस्टेंस नॉर्थ से बाइसिकल से चलते तो 61/9 इतना टाइम लगता, 61/4 कब लगता, अगर वो पूरा डिस्टेंस पैदल चलता, पूरा डिस्टेंस चलता अगर बाइसिकल से लगता 61/9, पर उसने पूरा कहीं नहीं चला, थोड़ा चला पैदल, थोड़ा चला बाइसिकल से, और इनका मिक्सिंग करके 9 घंटे लगे, ऐसा बोल सकते हैं। बस यहां से आपको डिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा, देख लीजिए आप यहां से, तो 9 बड़ा है 61 माइनस 9 से, 61/9 से, तो 9 माइनस दिस गिव यू 81 माइनस 61, और ये आ जाएगा 61/4 माइनस 9 दिस गिव यू 61 माइनस 36/4, और यहाँ आ जाएगा 81 माइनस 61/9, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, 81 माइनस 61 हो गया 20, 20/9 इज 2, 61 में से 36 जाएगा, 60 होता तो 24, यानी आ जाएगा 25, है ना, 25/4, राइट। 4 से कैंसिल किया तो 4 जा, 4 से किया तो 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, 9 5 जा 45, तो डिस्टेंस का रेशियो रहा होगा 16:45, ये रेशियो आया है। तो 61 किलोमीटर को जब तुम 16 और 45 में डिवाइड करोगे तो पैदल चला हुआ डिस्टेंस जो लेफ्ट वाला है, क्योंकि लेफ्ट वाले को आपने पैदल वाला एज्यूम किया है ना, पैदल वाला ना, लेफ्ट वाला फुट वाला आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला वैल्यू क्या देगा, पैदल वाला फुट वाला डिस्टेंस मिल रहा है, इसको मैं रब कर देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ समझाता हूँ, तो आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि अगर 61 किलोमीटर को अगर आप 16:45 में डिवाइड करना चाहोगे तो 16 किलोमीटर और 45 किलोमीटर ही आएगा ना, क्योंकि 16 और 45 का सम अपने आप 61 बन रहा है, तो रेशियो भी वही हुआ, डिस्टेंस भी वही हो गया।
ठीक है, तो तीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन, आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। टू मैन ए एंड बी वॉक फ्रॉम पी टू क्यू अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। बी रीचेस क्यू रिटर्न इमिडिएटली एंड मीट ए एट आर। द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है ध्यान से देखिए। ऐसा बोला है दो आदमी है ए एंड बी वॉक करते हैं पी और क्यू के बीच में, जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 21 किलोमीटर का, ठीक है। आपको ये बोला हुआ है कि जो ए की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आ रहे हैं, बी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आ रहे हैं, मतलब बी तेज है। बी क्यों पहुंचता है, बिल्कुल सही बात है, बी पहले पहुंचेगा क्योंकि बी तेज है, बी का स्पीड ज्यादा है तो पहले पहुंचना चाहिए। बी क्यू पहुंचने के बाद बी टर्न करता है और ए को मिलता है आर पे, यानी हो ऐसा रहा है कि यहाँ पे कहीं पे उनकी मीटिंग हो रही है। इधर से बी वापस लौट के आ रहा था, ए तो अभी तक पहुंचा ही नहीं था, राइट, ये बोला हुआ है। बोला डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर क्या होगा, ये पूछा है आपसे, पी से आर की दूरी क्या होगी, दैट्स अ क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप केयरफुली देखें। जितनी देर में, देर मतलब टाइम, जितनी देर में ए पी से आर पहुंचा उतनी देर में बी पी से क्यू और वापस पलट के आर तक आ गया। देर मतलब क्या, देर मतलब टाइम, जितनी देर में ए पी से आर कवर किया उतनी देर में बी ने पी से क्यू और क्यू से बी कवर कर लिया। टोटल डिस्टेंस 61 दिया हुआ है और पी आर निकालना, तो मान लेते हैं पी आर अगर एक्स है तो बताइए क्यू आर कितना बचा। क्यू आर बचा 61, नहीं नहीं 61 है, 21, 21 माइनस एक्स है ना, क्योंकि पूरा डिस्टेंस अगर 21 किलोमीटर का है, अगर हम पी आर डिस्टेंस को एक्स मान लें तो आर क्यू कितना बचेगा, आर क्यू बचेगा 21 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए कितना डिस्टेंस चला ए ने एक्स, कौन सी स्पीड से, 3, तो ये आ गया टाइम फॉर ए x/3। बी कितना चलता है, भाई बी तो पूरा चला पी से क्यू जाता है और वापस लौट के आता है, तो आर तक का डिस्टेंस चल पा रहा है। यानी अगर आप डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा, 21 + 21 - x है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी क्या होगा बेटा, वो होगा पी क्यू प्लस क्यू आर। तो कितना है पी क्यू, 21, कितना है क्यू आर, 21 - x, 21 - x, तो कितना आ गया 42 - x। तो बताइए टाइम ऑफ बी कितना होगा, बी को टाइम लगेगा 42 - x/4। अरे पर दोनों के टाइम बराबर होने चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों साथ में शुरू करते हैं और जब तक ए आर तक पहुंचता है बी भी आर तक पहुंचता है, लेकिन वो पलट के आ चुका है, दोनों के टाइम बराबर होंगे ना, इनको इक्वेट करके सॉल्व कर लो। तो x/3 = 42 - x/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x = ये हो जाएगा 6 126 - 3x, आपको मिल गया 7x = 126। एक्स की वैल्यू की अगर बात करोगे तो 126/7 है ना, क्लियरली मालूम पड़ रहा है कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड किया 6, 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर, 7 × 7 = 7, 8 = 56, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या रहा होगा पी से आर का, वही पूछा है हमसे, तो आंसर इज 18 किलोमीटर, राइट। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंस इन टाइम व्हेन अ मैन कैन कवर, व्हेन अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर इज 45 मिनट्स, द डिस्टेंसेस, ओके। डिफरेंस दिया हुआ है टाइम में, अगर वो दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है 45 मिनट, तो डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो जब डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस लगा लीजिए, तो कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान हो गया कि मान लेते हैं अगर ये डिस्टेंस अगर डी है और उसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर की रहती है तो जो टाइम लगता है वो, और अगर जो 25 की स्पीड से अगर जाएगा तो जो लगेगा टाइम, इनमें डिफरेंस दिया हुआ है आपको 45 मिनट का, 45 मिनट्स का, तो एक काम करो ना, लिखो d/10, ये क्या हुआ टाइम, डिस्टेंस डी, स्पीड 10 की, तो d/10, d/25 क्या होगा, ये दूसरी कंडीशन में लगा हुआ टाइम, अब ज्यादा स्पीड वाला टाइम जो होगा वो कम होगा, इसलिए d/10 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो d/10 - d/25 कितना आना चाहिए, 45, यस, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है ना स्ट्रेट अवे, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं
यहाँ पे एक एरर है, एरर ये कि ये मिनट्स में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो बस डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम हो गया 50, ये आ जाएगा 5d-2d, 5d-2d कितना हो जाएगा 3d, और 45/60 को लिखता हूँ मैं 3/4, 3 से 3 कट हो गया, तो डी का वैल्यू आ गया 50/4, यानी 25 का आधा, 25 का आधा हो गया 12.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसे नहीं करना अगर आपको, तो आप इसमें और भी तरीका लगा सकते हैं, बहुत तरीके क्वेश्चन करने के, आप थोड़ा मेंटली सोचोगे तो भी आएगा। देखो, अगर 10 किलोमीटर की स्पीड है और 25 किलोमीटर की स्पीड है, एक काम करो, इनका एलसीएम होता है 50 किलोमीटर, ठीक है, तो एक काम करो, अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर का होता तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना लगता, 5 घंटा लगता, और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना लगता, तो आपको 2 ही घंटा लगता, तो गैप कितना बनता, गैप बनता 3 घंटे का, हमें नहीं चाहिए 3 घंटे का, 3 घंटे मतलब 180 मिनट है ना, तो 3 घंटे का गैप बनेगा अगर तुमने डिस्टेंस लिया 50 किलोमीटर का, बस लीनियर वेरिएशन लगा लो। तो अगर 3/4 आर यानी 45 मिनट का अगर आपको गैप चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन करने का एक तरीका नहीं होगा, बहुत होगा, हो सकता है मुझसे बेटर अप्रोच आपको मिल जाए और आप कमेंट लिख दें कि सर आपने ये क्वेश्चन लेंदी अप्रोच किया है, ऐसे कर दो, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो क्लिक करने वाली बात है कि आप कितना क्लिक कर पा रहे हो, कितना सोच पा रहे हो, सकता है किसी क्वेश्चन में मैं ना सोच पाऊँ, आप बहुत जल्दी सोच लें, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पिक करते जाओ, रेशो के कॉन्सेप्ट लगाते जाओ, रेशो के कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए कई बार लॉजिकल तरीके जल्दी आंसर दे देते हैं रादर देन आपके पूरे इक्वेशन वाले मेथड। आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस कैट के जो बहुत जल्दी आपको लॉजिकल तरीके से आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, अब ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन था ना, इस पे हम और बात करेंगे, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट वैरायटी है क्वेश्चन की जो पूछी जाती है, बोला वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 1.5 आवर लेट, फाइंड हिज यूजुअल टाइम। ओके, अगर एक आदमी अपनी स्पीड को 3/4 कर देता है, 3/4 कर दिया तो वो 1.5 घंटा लेट हो जाता है, तो बताइए यूजुअल टाइम क्या लगता होगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेशियो ऑफ स्पीड और रेशियो ऑफ टाइम का। अभी हमने पढ़ा था कि जो स्पीड का रेशो अगर एक्स इज टू वाई है, तो टाइम का रेशो क्या होता है, टाइम का रेशो होता है वाई इज टू एक्स, यही होता है। अगर स्पीड का रेशो एक्स और वाई है, टाइम का रेशो वाई और एक्स आ जाता है। 3 लोगों में ऐसा नहीं होता, 3 लोगों में करना पड़ता है रेसिप्रोकल। 3 लोग अगर होते, अगर 3 लोगों का रेशो दिया होता एक्स इज टू वाई इज टू जेड, अगर स्पीड का रेशो 3 लोगों का एक्स इज टू वाई इज टू जेड होता है, तो जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो जेड इज टू वाई इज टू एक्स नहीं होगा, वो होगा 1/x = 1/y = 1/z। ये आपने पढ़ा हुआ है, वेरिएशन कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया गया था वहां पे, ठीक है, पर याद रखना कि अभी ये स्कोप नहीं है डिस्कशन का, ये अगर आपको नहीं लग पता तो एक बार आप वेरिएशन वाला वीडियो जरूर देखें, वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल क्या बोला हुआ है, फिलहाल ये बोला हुआ है कि आदमी अगर अपनी स्पीड को 3/4 करेगा, तो उसकी स्पीड एस थी यूजुअल स्पीड, तो टाइम लगता था टी। अगर उसने अपनी स्पीड 3/4 कर दी, तो आप बहुत सिंपल सा एक लॉजिक लगाइए, स्पीड डबल होती है तो टाइम आधा हो जाता है, स्पीड आधी होती है तो टाइम डबल हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं बोल सकता हूँ कि अगर स्पीड 3/4 हो रही है, तो टाइम जो होगा वो 4/3 हो जाएगा, है ना, उल्टा होता रिलेशन, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए ना, बिकॉज सेम डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस पहले एस की स्पीड से टी आवर्स में कवर किया जाता था, अब वो 3/4 स्पीड से 4/3 टी में किया जाएगा। आप देख लीजिए, अगर एस इंटू टी करते हो और 3/4 s into 4/3 t करते हो, दोनों बराबर आएगा, st = st, है ना, तो स्पीड डबल टाइम आधा, स्पीड आधी टाइम डबल, ही कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने फ्रैक्शन पे लगा दिया, स्पीड कर दी 3/4, टाइम हो गया 4/3, तो बताइए कितना टाइम बढ़ रहा है, 1/3 बढ़ गया, है ना, टी 4/3 t - t, तो 1/3 किसका, 1/4 t, तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है टाइम का, लेट हो गए, वही तो हमको दिया हुआ है 1.5 आवर,
1.5 R की वैल्यू 1/3 T है, तो T कितना होगा, T होगा 4.5 R, 4.5 घंटे उसका यूजुअल टाइम होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन करने का पहला तरीका कि आपने रेशियो वाला कंसेप्ट लगा लिया कि स्पीड एस, अगर स्पीड 3/4 हो गई तो टाइम जो होगा वो हो जाएगा 4/3, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 4/3 T - T, मेरे को डायरेक्टली मिल गया, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो माइनस में देखिए। अब टाइम 4/3 T लगता है, पहले लगता था T, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको, 1.5 R, सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करने का एक तरीका, एक और तरीका है वो भी समझते हैं, और वो बेटर अप्रोच भी बोल सकते हैं या लॉजिकल अप्रोच बोल सकते हैं, वो समझते हैं अपन एक और कि और इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका ये कर सकते हो कि मान लेते हैं उसको यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, उसकी यूजुअल स्पीड एस है और यूजुअल टाइम टी है, अगर वो अपनी स्पीड 3/4 कर देगा, कॉमन सेंस लगाना, सुनना बहुत ध्यान से, अगर ये बताओ पहले तो कि अगर यूजुअल स्पीड को अगर आधा कर देगा, टाइम फिक्स है, टाइम उतना ही है, मान लेते हैं टाइम को हम फिक्स रखते हैं, अगर स्पीड आधा कर देगा तो उतने ही देर में वो आधा डिस्टेंस पहुंच पाएगा, अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर देगा तो उतने ही देर में वो डबल डिस्टेंस जा सकता था, है ना, अगर टाइम को फिक्स कर दिया जाए, टाइम को फ्रीज कर दिया जाए कि टाइम उतना ही है, टाइम नहीं बदल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप अपनी स्पीड को आधा करोगे तो आधा दूर पहुंचोगे, डबल करोगे डबल दूर पहुंचोगे, 1/3 कर दोगे तो 1/3 ही पहुंचोगे, तो अगर आपने अपनी स्पीड को 3/4 S कर दिया, इसका मतलब है आप अपने डिस्टेंस का 3/4 ही कवर कर पा रहे हो डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर, डिजायर्ड जो टाइम आपके पास था यूजुअल उसके अंदर, तो आपका जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बच गया कितना बच गया, 1/4, ये 1/4 डिस्टेंस के लिए आपको आज 1.5 R लगते हैं, आज टुडे, ये लेट वाला डिस्टेंस है, लेट वाली स्पीड सॉरी, तो आज आपको 1/4 एक्स्ट्रा चलने को 1.5 घंटा लग गया, हुआ क्या, देखो हुआ ये कि आपको मान लेते आप घर से निकले 3/4 स्पीड पे, तो आधे रास्ते में घड़ी देखी, अरे यार ऑफिस का टाइम तो हो गया, रास्ते में ऑफिस का टाइम हो चुका था, अब जो बचा हुआ डिस्टेंस था वो डिस्टेंस आपने चला 1.5 R, तो बचा कितना था, 1/4, 1/4 अगर 1.5 R में चला तो आपने आज पूरा डिस्टेंस 6 घंटे में चला, इस 6 घंटे में आप 1.5 घंटा लेट हो, इस 6 घंटे में 1.5 घंटा लेट हो, यानी आपका एक्चुअल टाइम क्या रहता होगा, 4.5 घंटे रहता होगा, आप ये भी सोच सकते हो ना, अगर आपको ये अप्रोच बेटर लग रहा है डेफिनेटली ये लगा लीजिए, और अगर आपको लॉजिकली ये थोड़ा समझ में आता है ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज से भी कर सकते हैं इस चीज को, कि परसेंटेज का एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, देखते हैं आगे आगे क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। यह बोला वॉकिंग एट 4/7 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, फिर से स्पीड कम कर दी, वॉकिंग एट 4/7 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, प्रीति गेट्स लेट बाय 15 मिनट्स, प्रीति 15 मिनट लेट हो जाती है अगर वो 4/7 स्पीड पे जाती है, फाइंड द टाइम शी वुड हैव टेकन वॉकिंग एट हिज यूजुअल स्पीड, अगर यूजुअल स्पीड पे जाएगी तो कितना टाइम लगता होगा, तो डायरेक्टली करते हैं, स्पीड एस थी हो गई है 4/7 S, 4/7 S, जो टाइम टी रहा होगा वो हो गया होगा 7/4 T, कितना दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा, 3/4 T, कैसे निकाल रहा हूं, ऊपर 7 नीचे 4, तो कितना डिफरेंस होगा टी के कंपेयर में, जब तुम 3 7/4 - T करोगे, 7/4 T - T करोगे तो इनका डिफरेंस ही मिलेगा ना आपको आपस में, तो 3/4 ही आएगा ना, 3/4 T जो है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 15 मिनट, राइट, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा 20 मिनट, यानी नॉर्मली उसको 20 मिनट लगते हैं पहुंचने में, 20 मिनट्स, इज इट ओके, समझ में आया, और लॉजिकली भी सोच सकते थे आप, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिखाया आपको ये वाला, ये भी सोच सकते हैं आप, ठीक है, वेरी इजी, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, मिनी ट्रैवल्स एट 6/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, अब 6/5 इज अ फ्रैक्शन विच इज मोर देन 1, 6/5, 6/5 अगर 1 से बड़ा है दैट मीन्स बढ़ रही है स्पीड, सो मिनी ट्रैवल्स एट 6/5 ऑफ यूजुअल स्पीड एंड रीच हर डेस्टिनेशन 10 मिनट अर्ली, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, पहुंच जाती है, तो स्पीड अगर एस तो टाइम टी, अगर स्पीड हो गई 6/5 S तो टाइम क्या हो गया होगा, टाइम हो गया होगा 5/6 T, है ना, और दिख रहा है कि अब आज टाइम कम हो गया क्योंकि टी का 5/6 हो गया,
कितना डिफरेंस हो गया? अगर आप डिफरेंस मेंटेन निकालेंगे, 5 और 6 का डिफरेंस 1 होता है, यानी 1/6 आएगा, 1/6 भी, इतना टाइम कम लगा। और यही तो हमको अर्ली है, ये हमारा टाइम बच गया। तो मेरी ट्रेवल 6/5 ऑफ यूजुअल स्पीड एंड रीच हर डेस्टिनेशन 10 मिनट अर्ली, फाइंड हाउ मच टाइम शी विल टेक इफ शी ट्रेवल एट 80% ऑफ यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो 1/6 टाइम की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 10, क्योंकि तो बच गया ना, 1/6 बच गया। तो टी कितना रहा होगा? टी रहा होगा 60 मिनट। ये क्लियर हुआ? तो 60 मिनट आपका यूजुअल टाइम है। अब बोला है अगर वो अपनी 80% स्पीड पे जाएगी, तो स्पीड अगर है तो टाइम लगता है टी, 80% स्पीड पे जाएगी इसका मतलब है 0.8, 0.8 मतलब 4/5, तो 4/5 s पे जाएगी तो टाइम हो जाएगा 5/4 of 60, है ना? 5/4 कैसे हो गया? क्योंकि स्पीड 4/5, टाइम विल बी 5/4, किसका? यूजुअल टाइम का। तो 1 and 15, 15 फाइव कितना हो गया? 75, 75 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नहीं है मुझे पता है, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन को ऐड किया, थोड़ा सा ऑप्शन मच जाएगा, ये 4 नहीं आएगा। 75 मिनट उसका यूजुअल टाइम रहा होगा, सॉरी यूजुअल टाइम नहीं, आज का टाइम रहा होगा अगर वो 80% यूजुअल स्पीड पर जाती है तो। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये जो वैरायटी क्वेश्चन की एक पर्टिकुलर टाइप की वैरायटी है, जो काफी पूछी जा चुकी है, आईपीएम के अंदर भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर बेस्ड, और इवन अगर हम बात करें कैट में, वहां भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये एक फॉर्मूला टाइप का कुछ बनता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं अपन, और क्वेश्चन करने का दूसरा भी अप्रोच और क्या होता है वो देखते हैं, एंड फिर क्वेश्चन देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे गए। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। मतलब ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर, अ मैन गॉट लेट और अर्ली बाय T1 मिनट्स। कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बोला होता है कि एक आदमी है, अगर वो यहाँ से एक्स की स्पीड से जाएगा तो यहाँ पे शायद लेट हो जाएगा, और अगर वो यहाँ पे वाई की स्पीड से जाएगा तो शायद वो जल्दी पहुंच सकता है, या हो सकता है उल्टा भी दिया हो, लेट लेट कॉम्बिनेशन हो, अर्ली अर्ली कॉम्बिनेशन हो, अर्ली लेट, लेट अर्ली, वॉट एवर इट इज। तो बोला बताइए कि ऐसा है कि एक्स की स्पीड से गया, एक्स किलोमीटर पर आ की स्पीड से गया तो लेट हो गया, और वाई किलोमीटर पर आ की स्पीड से गया तो जल्दी पहुंच गया। मतलब बताइए डिस्टेंस कितना चला और कितना लेट हो गया, ये भी दिया हुआ है। तो T1 मिनट्स लेट हो गया और मानते हैं T2 मिनट्स अर्ली आ गया। तो ये पर्टिकुलर वैरायटी होती है। अब इसमें क्वेश्चन जो है, लोग क्या करते हैं इसमें कि एक्चुअल टाइम टी मान के जितना लेट हो गया वो ऐड करते हैं, वो भी आपको अप्रोच बताता हूँ। बट इस पर ये जो फॉर्मूला बना है D/x - D/y इस डेल्टा टी, डेल्टा टी इज द डिफरेंस इन टाइम डिवाइड बाय 60 अगर मिनट्स में दिया हुआ है, तो ये कहां से आता है, कैसे आता है समझते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आएगा, लिख लिख चुके हैं। क्वेश्चन में दिया है कि इफ अ मैन, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, इफ अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट 20 किलोमीटर पर आवर, ही विल रीच हिज ऑफिस 10 मिनट लेट। अगर एक आदमी 20 की स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो लेट हो जाता है, कितना मिनट लेट? 10 मिनट लेट। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाएगा तो यहाँ पे 10 मिनट लेट हो जाएगा। ठीक है, परफेक्टली फाइन। बोला इफ ही ट्रैवल एट 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करे तो वो यहाँ पे 10 मिनट जल्दी आ जाएगा, 10 मिनट्स अर्ली। बोला हाउ फार इज द ऑफिस फ्रॉम द होम। तो क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच जो लोग यूज करते हैं वो ये करते हैं कि डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, लेट हो गए तो मान लेते हैं कि उसका यूजुअल टाइम अगर टी है तो आज वो लेट हो गया, इसका मतलब है आज उसको लगा होगा टाइम T+10, और अगर जल्दी आ गया इसका मतलब है यूजुअल टाइम से 10 मिनट कम लगे, T-10। अब अगर अब देखा जाए कि ये डिस्टेंस जो है घर से ऑफिस का फिक्स है, यानी स्पीड 20 × टाइम 10 + T+10, स्पीड इंटू टाइम से आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, और सिमिलरली स्पीड 30 है और टाइम है T-10, यहां से मिल जाएगा डिस्टेंस। ये दोनों तो बराबर आने चाहिए, है ना? दोनों बराबर क्यों आने चाहिए? बिकॉज दो अलग अलग कंडीशन है, डिस्टेंस ट्रैवल तो सेम ही है ना घर से ऑफिस तक का, पर इसमें करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट्स दिया हुआ है, दैट्स व्हाई डिवाइड बाय 60, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो वेन यू सिंपलीफाई आपको यहाँ से टी मिलता है, हालांकि टी पूछा नहीं गया है आपसे, बट यहाँ से टी मिलता है, हमें तो डी निकालना था, तो आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप से।
तो वेन यू सिंपलीफाई आपको मिल जाता है कि जो टी रहा होगा वो रहा होगा 50 डिवाइड बाय 60, यानी कि 50 मिनट 5 बाय 6 आवर्स, है ना। वेन यू सिंपलीफाई ये मिलेगा आपको। देखिए पूछा डिस्टेंस था आपसे, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अगर 20 की है तो टाइम लगता है t+10/60, बस t का वैल्यू डाल दीजिए तो आ जाएगा 20 × 50 मिनट और 10 मिनट, यानी 50/60+10/60, यानी 1 घंटा। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा घर से ऑफिस का, पर टाइम थोड़ी पूछा था आपसे। तो आप डायरेक्टली कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो समझते हैं अपन। ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस अगर डी है, अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है, अगली बार उसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की है, यही बोला हुआ है राइट। 20 एंड 30 एग्जैक्टली। पहले केस में बोला हुआ है कि वो 10 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट, और फिर बोला हुआ है वो 10 मिनट जल्दी आ गया, देन इट सेज 10 मिनट अर्ली, यही क्वेश्चन कंडीशन दी हुई है। हाउ विल यू सॉल्व इट, लुक केयरफुली। मान लेते हैं हमको यहाँ पे 8 बजे पहुंचना है, जब आप 10 मिनट लेट हो रहे हो तो कब पहुंच रहे हो, 8:10 में पहुंचते हो। जब जल्दी आ रहे हो तो कब पहुंच रहे हो, 7:50 पे पहुंच रहे हो, है ना। ये आपको मालूम पड़ा होगा कि अगर 8 पहुंचना है तो लेट हो गए तो 8:10 और अर्ली आ गए तो 7:50। घर से कब निकले पता नहीं, डिस्टेंस निकालना है यार। हम कभी भी निकले घर से, ये चीज कंफर्म है कि 8:10 और 7:50 इनके बीच में जो गैप रहा होगा ये कंफर्म 20 मिनट रहा होगा, है ना। अब वो 8 बजे ऑफिस पहुंचना हो कि 9 बजे पहुंचना हो कि कभी भी, 9 बजे पहुंचना होता तो 9:10 पहुंचे होते और 8:50 पहुंच गए होते, तो गैप तो 20 मिनट ही रहता ना। तो बस इस गैप का यूज करो ना। तो देखिए पहली कंडीशन में यानी 20 की स्पीड से टाइम कितना लगेगा, d/20, और 30 की स्पीड से कितना लगेगा, d/30, और दोनों में जो गैप आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 20 मिनट्स का। क्वेश्चन सॉल्व। पर क्योंकि किलोमीटर पर आर दिया है और टाइम हमारा डिफरेंस हमारा मिनट में आ रहा है, तो डिवाइड बाय 60 इज इंपॉर्टेंट। बस वही तो है देखो, d/x - d/y इज Δt/60। तो वेन यू सिंपलीफाई एलसीएम मिलता है 60, 3d - 2d इज इक्वल टू 20/60, 60 60 कट हो गया, डिस्टेंस की वैल्यू 20 किलोमीटर आ गई राइट। तो मैंने जो फॉर्मा लिखा था यहाँ पे कि d/x - d/y Δt/60, वो क्या था, यही था कि x की स्पीड से गए तो लेट हो गए, y की स्पीड से गए तो जल्दी पहुंच गए, तो डिस्टेंस निकालना है। अच्छा हो सकता है यहाँ दोनों जगह पे अर्ली दिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी टाइम में गैप है वो डिफरेंस Δt है, ठीक है। अगर और अगर वो मिनट में नहीं है तो डिवाइड बाय 60 करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन और। अच्छा एक और चीज, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, शॉर्टकट अप्रोच भी है। शॉर्टकट मतलब आप एलसीएम मेथड लगा सकते हैं, वो कैसे, ध्यान से देखिए कि आपको बोला हुआ है 20 किलोमीटर की स्पीड से गए, ठीक है, अगली बार आप 30 किलोमीटर की स्पीड से गए। तो ये बताइए कि मान लेते हैं डिस्टेंस होता है 60 किलोमीटर का, क्योंकि एलसीएम 60 है ना, तो यहाँ लगते हैं आपको 3 घंटे, यहाँ लगते हैं आपको 2 घंटे। तो जब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस अज्यूम कर रहे हो तो यहाँ पे गैप बन रहा है 60 मिनट का, अलग अलग स्पीड से गए ना आप, 60 किलोमीटर पे 60 मिनट का गैप बन रहा है, तो बताइए 20 मिनट के गैप के लिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए था, 20 किलोमीटर। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व राइट। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। इफ अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट 40 किलोमीटर पर आवर, ही विल रीच हिज ऑफिस 16 मिनट लेट, एंड इफ ही ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, ही विल रीच 10 मिनट लेट, दोनों बार लेट, वेरी गुड। हाउ फार इज द ऑफिस फ्रॉम होम, घर कितना दूर है ऑफिस से, या ऑफिस कितना दूर है, ये पूछा गया है आपसे। तो d/40, d/60, दोनों में गैप, दोनों बार लेट हो गए, मतलब मान लेते हैं पहली बार 10 मिनट लेट, मतलब 8 बजे पहुंचना है, एज्यूम करते हैं 8 बजे का टाइम, तो 8:10 पहुंचे, नहीं सॉरी 16 दिया होगा, 8:16 पे पहुंचे, और अगली बार 10 मिनट लेट हो गए, इसका मतलब है 8:10 पे पहुंचे, तो गैप कितना आ रहा है, 6 मिनट का। तो इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 60, क्योंकि मिनट्स में दिया है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एलसीएम हो गया 120, 3d - 2d, डी हो गया, ये 1/10 हो गया, तो डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस रहा होगा 12 किलोमीटर का, और अगर आप ये एलसीएम मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आसानी से।
आप एक काम कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 40 एंड 60? 40 की स्पीड से गए, अगली बार आप 60 की स्पीड से गए, तो बताइए गैप सॉरी कितना एलसीएम है? 120 किलोमीटर. 40 की स्पीड से जाते तो 3 घंटे लगते, 60 की स्पीड से जाते तो 2 घंटे लगते. तो 120 किलोमीटर के दूरी में आपको जो डिफरेंस मिल रहा है टाइम का, वो 60 मिनट मिल रहा है. तो 120 में 60 मिनट का गैप है, तो हमें तो 6 मिनट का ही गैप चाहिए. तो 6 मिनट के गैप के लिए क्या होना चाहिए? 12 किलोमीटर. ये आ गया आपका आंसर, राइट? लेट्स मूव ऑन. एक्चुअल कैट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट. अ मैन लीव्स हिज होम एंड वॉक एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रीचिंग द रेलवे स्टेशन 10 मिनट आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड. ट्रेन के निकल जाने के 10 मिनट के बाद भाई साहब पहुंच रहे हैं, गई ट्रेन. इफ इंस्टीड ही हैड वॉक एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 15 की स्पीड से ट्रेवल करता, ही वुड हैव रीच द स्टेशन 10 मिनट बिफोर द ट्रेन डिपार्चर. द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू द रेलवे स्टेशन इज सिमिलर. वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कैट क्वेश्चन, राइट? तो 12 की और रिसेंट एग्जाम में आया, आई थिंक 18 का है कि 17 का, आई डोंट नो, कैट क्वेश्चन ही. लेकिन तो डी अपॉन, आप पहले समझ लीजिए कि मान लेते हैं पहुंचना था 9 बजे, ट्रेन का डिपार्चर 9 बजे था, तो भाई साहब 9:10 में पहुंचे. अगली बार अगर वो इस स्पीड पे ना गए होते, किसी और पे आए होते, 10 मिनट जल्दी आते, मतलब वो 8:50 पे पहुंच जाते, तो क्या गैप इनके बीच में? इनके बीच में गैप दिख रहा है 20 मिनट का. अब आपका अपना पर्सनल चॉइस है कि आपको एलसीएम वाली मेथड से करना चाहते हो या इक्वेशन से करना चाहते हो. जैसा भी करना चाहो, मैं दोनों कर देता हूं. तो डी अपॉन 12 माइनस डी अपॉन 15 इज इक्वल टू 20 अपॉन 16. किलोमीटर में दिए ना स्पीड, तो डी बाय 12, डी बाय 15, एलसीएम हो गया 16. तो देखा 5D माइनस 4D, यानी कि D इज इक्वल टू 20 बाय 60. 60 कट हो गया. दूरी थी घर से 20 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर का गैप था, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है? अब अगर इसी को अगर आप इक्वेशन से ना करते हुए अगर आप करना चाहें इसको एलसीएम से, तो भी कर सकते हैं. तो 12 और 60 का, 15 का एलसीएम कितना हुआ? 60 किलोमीटर. 12 की स्पीड से जाते तो 5 घंटे लगते, 15 की स्पीड से आते तो 4 घंटे लगते, तो गैप बनता 60 मिनट का. तो 60 किलोमीटर पे अगर 60 मिनट का गैप बन रहा है, तो 20 मिनट के गैप के लिए 20 किलोमीटर होना चाहिए था. बिल्कुल सही बात है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप. चलिए, सिमिलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ये. ये क्वेश्चन आईपीएम में पूछा गया था, आईपी मैट रोहतक का क्वेश्चन है. गेस ये, व्हेन सौरभ इंक्रीज हिज स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 25 किलोमीटर पर आवर, ही टेक 1 आवर लेस देन द यूजुअल टाइम टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम. सेम क्वेश्चन है ये, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, ओके. आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं. नेक्स्ट बहुत बढ़िया कैट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हिट करेंगे और आंसर निकालेंगे. ये बोला, अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए बी. इन साइड द टनल इज अ कैट लोकेटेड एट अ पॉइंट 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ए बी मेजर फ्रॉम एंट्रेंस ए, ठीक है? तो आपको ऐसा बोला हुआ है कि एक टनल है और टनल के अंदर एक बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है? तो मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है कि टनल है और टनल के अंदर एक बिल्ली बैठी हुई है. टनल का आपको बोल दिया कि टनल है ए बी, टनल आपको दी हुई है ए बी, ठीक है? और ए बी के 3/8 डिस्टेंस पे एक कैट बैठी हुई है, बिल्ली बैठी हुई है. 3/8 ऑफ द एंटायर डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस ए बी है उसका 3/8 करना है आपको, ठीक है? व्हेन द कैट सॉरी व्हेन द ट्रेन विसल द कैट रन्स, इफ द कैट मूव्स टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए, द ट्रेन कैच द कैट एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस. इफ द कैट मूव्स टू द एग्जिट बी, द ट्रेन कैच द कैट एट एग्जैक्टली द एग्जिट. द स्पीड ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ कैट ऑफकोर्स, बाय वॉट ऑर्डर. कितना उनका रेशियो दिया हुआ है ये पूछा हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. तो आपको बोला हुआ है कि ये मान लेते हैं एक टनल है, ठीक है? ये टनल है
और यहां पे मान लेते हैं एक ट्रेन आ रही है, इस पोजीशन पे एक ट्रेन है, ट्रेन ने यहां पे किया विसल, ट्रेन विसल करती है, जैसे ही ट्रेन ने विसल किया तो बिल्ली अगर एग्जिट सॉरी एंट्रेंस ए की तरफ भागती है तो ट्रेन उसको एग्जैक्टली एंट्रेंस पे कैच करती है, और अगर बिल्ली राइट में भागती है एग्जिट बी की तरफ तो ट्रेन एग्जैक्टली उसको बी पॉइंट पे कैच करती है। बोले बताइए कि रेशियो ऑफ स्पीड क्या है, यू कह लो दैट स्पीड ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ कैट बाय व्हाट ऑर्डर, दैट इज द रेशियो, मींस रेशियो निकालो आप सिंपल वर्ड में बात करो तो क्या होगा। अब बहुत केयरफुली देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें वेरिएबल लगा लेते हैं कि मान लेते हैं ट्रेन कितना दूर है पता नहीं, टनल की लेंथ कितनी है पता नहीं, तो मान लेते हैं टनल की लेंथ है 8D। सर 8 क्यों लिया, क्योंकि डिवाइड करना है ना, तो ऐसा करने से ये डिस्टेंस 3D हो जाएगा और ये डिस्टेंस 5D हो जाएगा। ट्रेन कितना दूर है पता नहीं, ट्रेन की स्पीड क्या है पता नहीं, कैट की स्पीड क्या है पता नहीं, तो कुछ लोग यहाँ पे वेरिएबल्स लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है लेकिन वो लेंदी हो जाता है। जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी करने का सिंपल एक ही तरीका है यहाँ पे कि आप थोड़ा लॉजिक लगाएं और देखें कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए ये सोचो कि जितनी देर में मान लेते हैं ट्रेन यहाँ पर है इस पॉइंट पर, जितनी देर में ट्रेन अपने एंट्रेंस ए पे पहुंचती है उतनी ही देर में कैट यहां तक पहुंचती है एंट्रेंस ए पे, राइट? मतलब जब जितनी देर में कैट चलती है 3D उतनी देर में ट्रेन अपनी एंट्रेंस पे आ जाती है, व्हाट एवर इज द डिस्टेंस आई डोंट नो, लेट्स से वो एक्स है व्हाट एवर, राइट? अब आप सोचिए कि बिल्ली चाहे लेफ्ट में 3D भागे या राइट में 3D भागे, उतने ही टाइम में ट्रेन तो अपनी एंट्रेंस पे आ चुकी होगी, ट्रेन अपनी एंट्रेंस पे आ चुकी होगी। अब देखिए ध्यान से, अब जितनी देर में बिल्ली बचा हुआ डिस्टेंस, अब जितनी देर में बिल्ली बचा हुआ डिस्टेंस कितना, बचा हुआ डिस्टेंस 2D चलती है उतनी देर में ट्रेन ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच जाती है, यानी कि वो 8D चल जाती है। इसको ध्यान से देखिए, आप इसको बहुत केयरफुली समझिए तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो ये रहा है कि अगर मान लेते हैं ये आपकी ट्रेन की पोजिशन है और ये आपको दिया हुआ है टनल और यहां दी हुई है कैट और ये डिस्टेंस आपका 3D है और ये डिस्टेंस आपका 5D है, ठीक है? और आपको बोले हुए एंट्रेंस पॉइंट है ए और बी, एग्जिट पॉइंट है बी। ध्यान से देखो गाइस कि जितनी देर में कैट लेफ्ट साइड 3D आएगी तो उतनी देर में ट्रेन एंट्रेंस ए पे आ चुकी होगी, है ना? ट्रेन कितना दूर थी पता नहीं, लेकिन जब विसल करती तब की बात है, तो व्हाट एवर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन उतनी देर में कैट चलती है 3D। अब अगर 3D में कैट को राइट चलवा लो कि जितनी देर में कैट राइट डिस्टेंस राइट डायरेक्शन में 3D पहुंचेगी, ट्रेन तो अपनी एंट्रेंस पे आ ही चुकी होगी वापस, एंट्रेंस ऑफ टनल ए पे, तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस 2D कौन चल रहा है? जितनी देर में कैट चलती है 2D उतनी ही देर में उतनी ही टाइम में ट्रेन कितना चलती है? भैया ट्रेन उतनी टाइम में ए से बी आ जाती है, मतलब कि 8D चलती है, तो कह सकते हैं रेशियो ऑफ स्पीड आएगा 1:4, ट्रेन कैट से 4 गुना तेज है, सॉरी ट्रेन, हाँ ट्रेन कैट से 4 टाइम स्पीड पर है, तो आंसर कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कैट बाय व्हाट ऑर्डर, तो द ऑर्डर इज 4:1, 4:1 की स्पीड जो है रेशियो ऑफ स्पीड का, इज इट ओके? ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट 120 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए, इट कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 5/6 ऑफ इट्स प्रीवियस स्पीड एंड रीच 2 आवर लेट एट स्टेशन बी, ठीक है 2 घंटे लेट पहुंचती स्टेशन पे। हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 300 किलोमीटर फर्दर इट वुड हैव बीन ओनली 1 आवर लेट, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। कैट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले कैट में आ चुका है, आईपीएम में भी क्वेश्चन आ चुका है इस वैरायटी पे, वर्ड थोड़े चेंज किए थे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द अप्रोच, कैसे करेंगे वो समझते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। वो ये रहा है कि एक ट्रेन है जो एक स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जा रही है,
लेट मी डॉट अगेन। स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जा रही है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ट्रेन का हो गया 120 किलोमीटर दूर जाके एक्सीडेंट, 120 किलोमीटर पे हो गया, माइनर सा कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ फॉल्ट आ गया। तो ट्रेन की जो स्पीड थी एस, अब वो ट्रेन अपनी 5/6s पे जा पाती है। ऐसा करने से ट्रेन यहाँ पे 2 घंटे लेट हो जाती है। ठीक है, अच्छी बात है। बोला अगर एक्सीडेंट यहां ना हुआ होता, 300 किलोमीटर आगे हुआ होता, हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 300 किलोमीटर फर्दर, यानी 300 और चलने के बाद हुआ होता। मतलब ये ए है और ये बी है, तो दिस एक्सीडेंट 300 किलोमीटर पे नहीं हुआ है, हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 300 किलोमीटर फर्दर, यानी और आगे आ चुकी है यहां तक। ये पहले वाले एक्सीडेंट पॉइंट से 300 किलोमीटर आगे चल चुकी है, यानी पहले 120 किलोमीटर वहां पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, 300 और चली और अगले पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ। ऐसा होता, ऐसा अगर होता तो यहाँ पे ट्रेन 1 घंटा ही लेट होती, और ऐसा होने से वापस उसकी स्पीड क्या हो गई होती, 5/6s हो गई होती। बोला स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या, ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट्स पे डिवाइड कीजिए। मान लेते हैं पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है। देखिए बच्चों ध्यान से, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, पहले 2 घंटे लेट, ये 1 घंटा बना लेट, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 300 किलोमीटर चल पाए, ये हम सेकेंड केस में स्पीड एस से चल पाए, एक्सीडेंट नहीं हुआ ना। तो दूसरे केस, अगर ये हम केस वन बोल दें और इसको अगर हम केस टू बोल दें, तो केस टू में ए से लेके क्यू पूरा डिस्टेंस एस स्पीड से चला गया है, एस स्पीड से, लेकिन पहले वाले केस में पी के बाद उसकी स्पीड 5/6 हो गई थी। और क्यू से बी में तो दोनों ही केसेस में 5/6s पे डिस्टेंस करा गया है, मतलब क्यू से बी पे दोनों का डिस्टेंस बराबर है और स्पीड बराबर है, टाइम में कोई गैप नहीं आया होगा। ए से पी में जो डिस्टेंस है दोनों ही केसेस के अंदर स्पीड एस है, यानी यहां पर भी टाइम बराबर लगा होगा, तो गैप पॉसिबल नहीं है। तो गैप आया क्यों, गैप इसलिए आया क्योंकि पी से क्यू का जो दूरी है वो आपने अलग अलग स्पीड से कवर किया है, ये मालूम पड़ रहा है, बस इनका डिफरेंस ले लीजिए। तो क्योंकि छोटी स्पीड पर टाइम हमेशा बड़ा होता है, तो 300 डिवाइडेड बाय 5/6s और 300 डिवाइडेड बाय एस, ये दोनों के टाइम निकाल दिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का जो गैप आना चाहिए कितना आना चाहिए, 1 आर, ये समझ में आना चाहिए आप। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। 300 किलोमीटर 5/6 स्पीड से चलेगा तो टाइम लगेगा 300/5/6s, और 300 किलोमीटर एस की स्पीड से चलेंगे तो आएगा 300/s, ये गैप आना चाहिए 1 घंटे का, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आपको मिल गया 300/5/6s - 300/s = 1 आर, 300 कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 6/5s - 1/s = 1, 300 कॉमन तो कॉमन ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो गया 5s, ये हो जाएगा 6 - 5 = 1। सो 300/5 = s, क्रॉस में दिख रहा है, तो s कितना आ गया, स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर करा होगा, दैट इज द आंसर। तो आंसर क्या होगा, ट्रेन 60 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, आई होप दैट्स ओके। अब इसमें तो आप और भी चीजें निकाल सकते हो, और आप चाहो तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस पूरा अगर पूछा जाए ए बी तो क्या निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आप सोचिएगा कैसे, स्पीड अगर 5/6s है तो टाइम हो जाएगा 6/5, यानी 1/5 एक्स्ट्रा, और 1/5 की वैल्यू 2 घंटे है, मतलब पूरा डिस्टेंस 10 घंटे, पूरा डिस्टेंस टाइम कितना होगा, 10 घंटे का। अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, अगर स्पीड 5/6, टाइम हो गया 6/5, यानी 1/5 एक्स्ट्रा, 1/5 का मतलब 2 घंटे है, तो पूरा टाइम, पूरा डिस्टेंस पी से बी का कितना लगते होंगे, 10 घंटे। तो 10 घंटे 5/6 स्पीड से, इसका मतलब है 500 किलोमीटर, तो
500 किलोमीटर तो पी से बी हुआ, पहले वाले 120, पूछा होता डिस्टेंस जो कितना आता, 620 किलोमीटर का डिस्टेंस होता, पूरा डिस्टेंस ए से बी का। ठीक है, आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आया आपको ये? ऑल राइट ऑल राइट। अगेन दिस इज एन एक्चुअल आईपीएम क्वेश्चन, आईपीएम रोहतास का क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वही बेस्ड है। स्पीड क्वार्टर फे पे कम हो गई है, यानी थ्री फोर्थ हो चुकी है, बिल्कुल डिट्टो वही का वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एन एक्चुअल कैट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कैट में आ चुका है, और कुछ इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जा चुका है किसी कंपनीज में। क्वेश्चन इज, अनवर लीव्स होम एवरी डे एट 4 PM टू पिक हिज वाइफ फ्रॉम ऑफिस, विच गेट्स ओवर एट 5 PM एंड द रिटर्न होम एट 6 PM। वन डे द ऑफिस वॉज ओवर एट 4 PM एंड हिज वाइफ स्टार्टेड वॉकिंग होम फ्रॉम ऑफिस। अनवर अनअवेयर ऑफ दिस स्टार्ट फ्रॉम होम एज यूजुअल एंड मीट हिज वाइफ ऑन द वे एंड रिटर्न होम विद वाइफ 20 मिनट्स अर्लियर। द स्पीड ऑफ अनवर्स कार इज 60 KMPH, फाइंड द वॉकिंग स्पीड ऑफ हिज वाइफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक रेशियो पे बेस्ड है, कोई आपको इक्वेशन नहीं बनानी, कुछ आपको यहाँ पे वेरिएबल एज्यूम नहीं करने, सिंपल कॉमन सेंस लगाना है। कैसे, ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं उसका होम और ये मान लेते हैं ऑफिस। अनवर निकलता है घर से 4 बजे, ऑफिस पहुंचता है 5 बजे और 5 बजे ऑफिस छूटता है, ये पिक करता है वाइफ को और घर पहुंच जाते हैं ये लोग 6 बजे। इनका रेगुलर शेड्यूल है, राइट, इनका रेगुलर शेड्यूल है। एक दिन उसका वाइफ का ऑफिस जल्दी छूट गया और हुआ ये कि वाइफ रास्ते में मिल गई, वाइफ रास्ते में मिल गई पॉइंट, लेट से पॉइंट पी पे, और इन्होंने यहीं से टर्न लगाया, और टर्न लगा के जब घर पहुंचे तो मालूम पड़ा आज हम घर 20 मिनट जल्दी आ गए। जल्दी कैसे आ गए भैया? 20 मिनट बच इसलिए गए क्योंकि 10 मिनट जाने के बच गए होंगे और 10 मिनट आने के बच गए होंगे। 10 मिनट जाने के, 10 मिनट आने के, ये बच गए, सेविंग हो गई, इसलिए 20 मिनट बच गए हमारे आज। वरना अगर उसकी वाइफ वहीं वेट करती तो अनवर को तो चलना पड़ता ना 10 मिनट, 10 मिनट और चलना पड़ता, 10 मिनट और आना पड़ता, तो वो यूजुअल टाइम पे ही पहुंचता वो तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल ये कि अनवर की स्पीड अगर 60 KMPH की, तो वाइफ की स्पीड क्या है? बहुत केयरफुली सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑफिस छूट गया था 4 बजे, वॉक करते करते घर आ रही थी, सामने अनवर मिल गया, 10 मिनट बच गए, इसका मतलब है अनवर ने पिक कब करा होगा? अनवर ने पिक किया होगा 4:50 पे, क्योंकि 10 मिनट नहीं बचते तो अनवर को तो 6:05 ही बच जाते पहुंचते पहुंचते। ये 4:50 कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर 10 मिनट बच गए हैं, इसका मतलब है अगर उसको 5 बजे पहुंचना था और 10 मिनट पहले वाइफ मिल गई है, यानी 5:50, 4:50 रहे होंगे ना। अब खुद सोचिए, जो पॉइंट पी से ऑफिस का डिस्टेंस है वो अनवर 10 मिनट में कवर कर सकता था अपनी कार से, लेकिन वही डिस्टेंस उसकी वाइफ ने चला 50 मिनट में, ये कहां से आ गया? अरे यार, ऑफिस छूट गया 4 बजे, वॉक करते करते अनवर को कब मिलती वो? 4:50 पे, तो 50 मिनट हुए ना। तो बताइए टाइम का रेशियो क्या आ गया? टाइम का रेशियो आ गया 1:5। अगर टाइम का रेशियो 1:5 है तो स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा? 5:1। अनवर की स्पीड और वाइफ की स्पीड का रेशियो 5:1 रहा होगा। अनवर की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है, तो वाइफ की स्पीड डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, 12 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। तो आंसर इज, द वॉकिंग स्पीड ऑफ वाइफ इज 12 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। ठीक है, काफी स्पीड तेज ही है, तो 12 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड रहा होगा। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। आगे बात करेंगे एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।